अर्चना जी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑडियंस. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. टेलीकास्ट भले रात को होगा लेकिन सबको पता चलना चाहिए कि आज हम सुबह 6 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं और जब हम सुबह जल्दी उठ के यहाँ पे आते हैं तो सबको पता रहता है कि कौन भाई साहब आने वाले हैं. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा हम सबके फेवरेट, सबसे हिट एंड फिट, सूर्य से पहले उठने वाले बॉलीवुड के सूर्यवंशी, द वन एंड ओनली सुपरस्टार मॉर्निंग कुमार, सॉरी अक्षय कुमार. जोरदार तालियां अक्षय बाजी के लिए. अक्षय बाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले बता, तू जब पैर बनता तो तू पूरा क्यों नहीं झुकता? तू यहाँ तक का ये कौन सा तरीका है? बहुत अच्छा सवाल है. आज नए साल पे सूर्यवंशी फिल्म से पाजी आपकी बोनी हो रही हमारे शो पे, क्या बात है. गुड न्यूज, आप सबने देखी है इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म, बॉक्स ऑफिस पे गुड न्यूज लेके आई है. 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है गुड न्यूज ने. अब की बार पाजी 300 के पार सब चल जाए, बस इतना ही बहुत है. नहीं नहीं पाजी, इस इंडस्ट्री के अंदर चलता रहूं बस यही बहुत है. अरे पाजी ये अगर सोचने लग जाऊं 300 के पार 400 के पार कहीं बाहर ना निकल जाऊं. यार आप लोगों को बताऊं, चलो इस इंडस्ट्री के अंदर आना फिर भी मतलब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर टिके रहना मुश्किल है. वो बड़ा मुश्किल काम बहुत है. मुश्किल काम है वाकई. इतना मुश्किल है कि लोग कंप्लेन करते हैं. मैं पीछे सुन रहा था, सुबह उठूं तो प्रॉब्लम, जल्दी सोऊं तो प्रॉब्लम. नहीं नहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है. हम तो ऐसे ही भाजी, जैसे अक्षय आता है ना कपिल की धुलाई शुरू, मुझे बहुत मजा आता है. कोई बात नहीं, आज अक्षय पाजी आए, किस दिन सिद्धू जी भी आएंगे. पर पाजी पिछली बार आपने हमारी बोनी खराब कर दी पाजी. क्यों? मेरे सारे आर्टिस्ट नाराज हो गए. क्या मतलब? वो कहते आए नहीं रहे. ना आए नहीं रहे आज. ये देखो सिख, वो कहा है वो तेरे वो सारे लोग जो छुपे रहते हैं, वो तेरे जो, क्या आप लौंडो को लौंडिया बना के पूरे करते हो? बच्चा यादव जी यहाँ आइए. जी 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 जी. ये हमेशा कहता रहता है ना शो में, बड़ा जोक्स का पिटारा, देखो अपना पिटारा देख. भारती जी आइए. वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसकी डाइट क्या है. हाँ. आप लोग गर्मी में आइसक्रीम खाते होंगे. हाँ. ये पूरा ग्लेशियर खा जाते. अरे एक सपना जी, इसका एक फेमस डायलॉग है ना, एक करोड़ दे दो. कितने करोड़ चाहिए तुझे? पूरा चैनल चूस गया तू. सुमोना, माता रानी की कसम, ये रोज कुछ ना कुछ बन के आती है लेकिन आज तक कॉमेडियन नहीं बन पाई. लड़कियों की चंकी पांडे. चंदन साहब, आप इस शो पे आके ओए होए इसके अलावा करते क्या? क्या एक बार करना, कैसे करते हो? ओए होए होए होए. इन सब ने मिलकर सोनी टीवी को लूटा है. इतना लूटा इन लोगों ने, उन बेचारों के पास सिर्फ सूर्यवंशम के अलावा कोई चीज ही नहीं है दिखाने के लिए. वैसे अगर ये लोग नहीं आ रहे तो क्या हुआ? हम लोग इनके मोहताज थोड़ी हैं. मैं तो हूं ना. अरे हुआ है मतलब क्या? राज कपूर साहब क्या कहते थे? The show must go on. तू फिकर मत कर, मैं कुछ करता हूँ क्या? मैं तो करके ही आया हूँ. अच्छा ये देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों को साथ लाया हूँ. हाँ. उनकी तस्वीरें लेके आया हूँ, आप लोग देखो, शायद आप लोगों को अच्छा लगे तो उन्हें अपने शो में लो. अच्छा जी. वो कौन है वो मोटा सा एक, वो जो चोटी वाला? बच्चा यादव. अब ये देखो, ये है शेट्टी यादव. शेट्टी यादव. वाह, देखो ध्यान से, तेरे से मिलता है कि ये तो तेरा, सेमी तेरा बच्चा यादव तो सिर्फ जोक्स उड़ाता ना, ये गाड़ियां उड़ाता. ये गाड़ियों के साथ तू सोच, अगर ये इतनी अच्छी गाड़ियां उड़ाता तो जोक्स कैसे उड़ाएगा? ये तो है. और इनकी बीवी तितली. वो है टिटली नहीं है. ये देख, ये तो सौरभ शुक्ला साहब है अपने, कल्लू मामा. हाँ तो मामा है तो क्या हुआ, तेरे को तो शौक है मामा को मामी बनाने का है? अरे मामा से याद आया कृष्णा की बात. हाँ.
उसकी भी रिप्लेसमेंट है, ये ले। ये तो गोविंदा सर है। हाँ तो तू ओरिजिनल के साथ काम करना। कब तक वो थर्ड कॉपी के साथ काम करता रहेगा? और वो कौन है तेरा दोस्त, वो ढाबे से आता है चंदू, वो जो पंजाब से लेकर, हाँ चंदू, हाँ पंजाब से लेकर आया तू चंदू। तेरे को एक बात बताऊँ, मेरे पास भी मेरा खुद का दोस्त है, उसको ले। कौन सर? ये ले चंकी। ये तो चंकी सर है। अरे तेरे वाले से ज्यादा टैलेंटेड है ये, इसको ले ले। ओह गॉश। और तेरे शो पे एक और है ना, वो भूरी, भूरी, हाँ भूरी, ये ले हमारी भूरी देख। रितेश हाँ, तेरी भूरी से ज्यादा खूबसूरत है, इसको ले ले। और अब बारी है जी अर्चना जी की। ओह माय गॉड, वो तो सामने बैठी है। दो से उठाओ बार फेंको। कब तक दूसरों की कुर्सी पे बैठी रहेगी? ये ले हमारी अर्चना, ये ले, ये ले, ये है मर्द की रानी और ये बोमन ही रानी। और आप ये देख, आप किसकी जगह ले रहे हैं? तेरी जगह और क्या लूंगा? पर मैं तो आया हूं, मैंने तो कोई नखरा नहीं किया ना बाजी। हाँ तो चला जा तू, तू खुद ही कहता है ना मैं दूसरों का कारोबार खा जाता हूँ। हाँ। आज तेरा खाऊंगा। तो चलो भाई, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अक्षय कुमार शो। तो अब शुरू करते हैं इस शो को, जहां पे हम कपिल से सारे खा जाएंगे हमारा शो। नहीं सर, नहीं नहीं सर, कोई ऐसा रिप्लेसमेंट ढूंढने का जरूरत नहीं, हम हाँ हम कर लेंगे। मैं तो गुस्सा करती नहीं कभी। इनसे शादी होगी मेरे को तब नहीं गुस्सा आया सर, आप तो फिर भी हीरो। मैं तो कब से वेट कर रही, पीछे बुलाएंगे। मैं काम पीछे कर रहा था सर, ऐसे सर मैं ये कहने के लिए आया हूँ, पिछली बार आपने मेरी क्लास ली थी ना, इस बार आप इन सब की क्लास लीजिए। अच्छा, मेरे बारे में बताया था ना आपने। अबे तेरी कोई क्लास है? जो मैं तेरी क्लास लूंगा। इसकी शक्ल देखो, इसकी कोई क्लास है? ये आदमी पता है फर्स्ट क्लास की टिकट लेता है, वहां से भी लोग धक्के मार के इसको थर्ड क्लास में बिठाते हैं। इसकी शक्ल देखो। ला ये क्या है? ये पिछली बार आपने बताया था कि मैं 5 लाख रुपए पर एपिसोड लेता हूँ। सर ऐसा नहीं है, 5 लाख तब तक है जब तक ये पूरा शो चलेगा। अच्छा, अब आप इनका भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए। वैसे तो ये भी ज्यादा है तेरे लिए। इधर ओहो, क्या है? कैन यू बिलीव इट, सोनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं इन सबके। अरे ओहो, आज भगवान कसम बहुत मजा आएगा। आज सबके कॉन्ट्रैक्ट पढ़े जाएंगे, पिछले शो में इस बेचारे के सिर्फ पढ़े गए थे। अब सबके, हाँ। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। अर्चना पूरन सिंह जी का। अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। नहीं। कि शो में मैं फ्री काम करूंगी। है? अच्छा, लेकिन कुछ शर्तें रखी है इसने, क्यों मैं फ्री काम करूंगी? हाँ। कि ऑडियंस में कोई भी सिद्धू नाम का आदमी नहीं होगा। जिसका भी नाम सिद्धू हो चला अभी निकल जाओ। और शो में जितनी तालियां बजानी है बजा लो। हाँ। लेकिन ठोको ताली कोई नहीं करेगा। और कहती है कि सोनी जी मैं शो के इंस्टाग्राम के वीडियो तो बनाती हूँ, तो मुझे शादी विवाह के वीडियो फोटोशूट का काम भी दे दीजिए, कैमरामैन परमीत के साथ अर्चना पूरन सिंह मड आइलैंड। वाह भाई वाह। अक्षय यार तुम शर्म करो, मेरी क्लास तो ना लो। अरे छोड़ो। चलो ये हो गया अर्चना जी का। ओहो बच्चा यादव। अरे छोड़िए, आओ आओ इधर आओ। इस पे लिखा है कि मेकअप के लिए भले ही 2 घंटे कम दीजिए, लेकिन हल्का होने के लिए 5 घंटे चाहिए। और साथ में कहता है कि सोनी जी जेट स्प्रे की जगह ट्यूबवेल लगवा दीजिए। अगला कॉन्ट्रैक्ट,
ओहो तितली यादव आइए 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 तितली जी। इसमें लिखा है कि मुझे दिन में 3 टाइम का खाना चाहिए और 1 टाइम में मैं 8 बार खाऊंगी। अबे और कितना खाएगी, खा खा के अलीबाग हो गई है। हाय रब्बा। अब अगला कॉन्ट्रैक्ट। अरे कृष्णा अभिषेक जी आइए आइए आइए। नहीं मैं इधर, नहीं 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 उधर उधर बारिश थोड़ी हो रही है, उधर जाओ। ये क्या? अबे तेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो मामा के नाम पे ईमेल आईडी है, mama@govinda.com। अबे अपना नाम भी नहीं है। अबे कितना खाएगा अपने मामा के नाम पे। आप लोगों को पता है इसकी तो शादी के कार्ड पे लिखा था गोविंदा का भांजा बेड कश्मीरा। इसके कॉन्ट्रैक्ट में पता क्या लिखा हुआ है? ये शो जो है 2 दिन की जगह 7 दिन किया जाए ताकि यहाँ मैं शूट में बिजी रहूं क्योंकि घर पे बीवी मारती है। क्या हुआ है? होता है ऐसा कभी कभी, एक आध दिन में एक आध बार रहता है। एक आध दिन में। हाँ भूरी जी आइए। हाँ भूरे भूरी औरतों की चंकी पांडे आइए। ओहो सेट पे मुझे स्क्रिप्ट जो है 6 महीने पहले दी जाए क्योंकि मुझे जोक समझने में टाइम लगता है। और मुझे खाने के लिए पर्सनल चने दिए जाएं, मैं अब बंदरों से छीन कर नहीं खाऊंगा। और शूट पर बादाम भी चाहिए। बादाम भी चाहिए। बेटा तुम्हें बादाम खा के कुछ नहीं होगा। तुम जरूर धक्के खाओ। तेरी बात पे चंदू बड़ा असर है। प्यार करता है पाजी, इसकी आंखों में देखो प्यार दिखेगा आपको। इधर आ लोटू। पाजी मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था पिछली बार। वैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सोनी इसको 5 लाख रुपए पर एपिसोड देती है। दरअसल मैं आपको बताऊं, सोनी नहीं देता, वो पंजाब वाले पैसे भेजते हैं। कहते हैं कि इसको यहाँ ही बिजी रखो, इसको पंजाब में मत आने देना। हमें चंदन मुक्त पंजाब चाहिए, हमें चंदन मुक्त पंजाब चाहिए। चलो, अब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया है कपिल शर्मा का। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन ये मैं अभी नहीं, अगली फिल्म के प्रमोशन पे यानी कि 1.25 महीने में फिर आ जाऊंगा। लक्ष्मी बॉम्ब के लिए तब पढ़ूंगा। तब हाँ जरूर। तो भैया ऑल द बेस्ट, शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। ये वो लोग हैं जो डिसाइड, ये वो लोग हैं जो हमें हमारा मनोरंजन देते हैं। माय मदर इज क्रेजी अबाउट दिस शो। मतलब मैं अगली बार कोशिश करूंगा कपिल, मैं अपनी माँ को भी लेके आऊंगा यहाँ शो दिखाने के लिए। शी लव्स दिस शो। ये सब इन्हीं लोगों की वजह से और आपकी वजह से। कपिल जी और आपके सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू सबकी तरफ से, थैंक यू वेरी मच। और ये जाते वक्त अपना कॉन्ट्रैक्ट ले जाइए, शो शुरू करते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके बाजी, थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज यहाँ हमारे ऑन स्क्रीन हीरो अक्षय पाजी तो हैं ही, साथ ही हमारे रियल लाइफ हीरोज, हमारे मुंबई पुलिस के जवान जो हैं, आज उनकी फैमिलीज भी यहाँ पे आई हुई हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पिताजी पुलिस में थे तो मुझे पता है पुलिस वालों की कोई छुट्टी नहीं होती, तो आपका फर्ज बनता है कि आप दिन रात जाग के आप हमारी सुरक्षा करते हैं। तो आज अगर कुछ पल खुशी के आपके चेहरे पर अगर हम लोग मुस्कान ला सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक बात बताओ, जैसे आप हमारे आइडियल हैं, हम आपको देख के जैसे सुबह उठते हैं 3-3 महीने बाद चाहे, आप किसको देख के उठते हो? आपका अक्षय कुमार कौन है लाइफ में? ये आदत आपको कब पड़ी थी? ये तो बचपन से आदत है।
मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जिंदगी में आज तक ऐसा दिन नहीं आया जब मैंने सूरज उगते नहीं देखा. अच्छा. मैंने हर रोज सूरज को उगते देखा है. वाह क्या बात है यार. बट अक्षय, कपिल भी रोज सूरज को उगते हुए देखता है. ये सूरज उगने के बाद ही सोता है. नहीं नहीं अभी काफी सुधर गया. सुधर गया? बहुत सुधर गया. अच्छा? अब ये पहले से इसके चेहरे पे बहुत रौनक आने शुरू हुई है. ओहो. और इसकी चमक फिर से आई है. अब ये काफी चमकने लग गया. लव यू बाजी. अच्छा मैंने एक बात नोटिस की, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस की होगी कि नहीं, कभी कभी पाजी अवार्ड शो में जाते हैं ना तो किसी विनर का अनाउंस करने या किसी को अवार्ड देने तो ये इनवेल्प खोल के भी नहीं देखते कि कौन है विनर, खुद ही बोल देते हैं और विनर निकलता भी है वो. अब आप अंतर्यामी हो. नहीं ये तो ऑडियंस को भी पता होता है कौन कौन आया होता है. नहीं नहीं सच्ची बात है, ऑडियंस को पता होता है, वो तो देख के बता देते हैं. ओ आज इसको भी मिलेगा. आज ये भी लेके जाएगा. कई बार होता है भाई, कई शोंग पे आते हैं कि सर आप परफॉर्म कर दो. हाँ. आधे पैसे ले लो, आपको अवार्ड भी मिलेंगे. ओह माय गॉड रियली? तो मैं कहता हूँ नहीं आप पूरे पैसे दे दो, अवार्ड अपने पास ही रख लो. किसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए. मुझे मेरा चेक दे दो, मैं घर चला जाऊंगा. मुझे नहीं चाहिए. तो दोस्तों अब बुलाते हैं फिल्म सूर्यवंशी के डायरेक्टर साहब को. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हिट पे हिट देने वाले सुपरहिट प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर रोहित शेट्टी. रोहित सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. छीनने तो मैं आया हूँ. आप शो टेक ओवर कर लो. ठीक है. और मैं जज का कुर्सी टेक ओवर कर लेता हूँ. सोचो अक्षय कुमार प्रोड्यूसर, मैं जज, कैसा रहेगा सर? और जब टाइम मिलेगा हम लोग होस्ट भी कर लेंगे. आप सुबह जल्दी उठते हो, 4 बजे उठे, 5 से 7 में शो खत्म. और ये लोग तो एक एपिसोड करते हैं, हम तीन तीन कर लेंगे दिन में. उठा सकते तो उठा लो. तो तू क्या लगता है ये जहाँ भी आता है इसके साथ क्रेन आता है? एक्चुअली ऐसे इनको उठा के इंडियन आइडल में रख दो सर. आपको पता है एक्चुअली हम लोग का सोनी का कॉन्ट्रैक्ट है. क्या? मैं और अर्चना जी 10 साल पुराने जज है सोनी के. हाँ, कपिल ने शुरुआत की थी. भारती, कपिल, कृष्णा सब वो कंटेस्टेंट थे उस शो में. तो, और हम दोनों जज थे. तो अभी बाहर वो बोल रहे थे कि अब टाइम आया जज चेंज करने का. और आपको पता है रोहित सर यहाँ की पेमेंट अलग, उसकी पेंशन अलग से लेती है. अच्छा क्रिकेट में एक हिटमैन है रोहित शर्मा और बॉलीवुड के हिटमैन है हमारे रोहित शेट्टी साहब, जो एक ही रो में हिट पे हिट दे रहे हैं. सर ये नाम का असर है कि रो आपके नाम में हिट है एक्चुअली? शायद माँ बाप ने सोच के रखा होगा. वैसे पर है यार सर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. कई बार ऐसा होता है रोहित शर्मा सेंचुरी मारता है, फोटो मेरी आ जाती है नेट पे. हुआ है 2-3 बार, मैंने क्रेडिट ले लिया. अच्छा रोहित सर ने बॉलीवुड को सिंगम दिया, फिर सिम्बा और अब सूर्यवंशी लेके आ रहे हैं. सर जिस हिसाब से आप पुलिस पे फिल्में बनाते हैं, आप सच्ची में डायरेक्टर ही बनना चाहते थे कि इंस्पेक्टर बनना चाहते थे? अब मुझे लग रहा है 1-2 और बना लूंगा, 100 डायल करेंगे, मेरे घर पे भी बजेगा फोन. तो सर जैसे आप सिम्बा हो गए या सिंगम या सूर्यवंशी, जब ऐसे आप बाकी और भी एक्टर्स होते हैं उनके जब ऑडिशन लेते हैं जी. तो आपके ऑफिस आते हैं कि पुलिस थाने में होते हैं ऑडिशन? नहीं मैं बुलाता हूं ऑफिस में हूं, अगर नहीं पहुंचते फिर पुलिस स्टेशन बुलाता. सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आइए विराजमान हो जाइए. आइए अक्षय भाई, आइए सर. अच्छा रोहित सर ने अजय देवगन साहब के साथ सिंगम बनाई, फिर रणवीर के साथ सिम्बा बनाई और अब अक्षय पाजी के साथ सूर्यवंशी बना रहे सर. तो सर ऐसी कौन सी चीजें थी जो सिम्बा और सिंगम नहीं कर पाए जो आप अक्षय पाजी को लेकर आए सूर्यवंशी? अभी देखो आप, जब आप फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा. कुछ लोग तो बातें कर रहे बाहर, कहते हैं जो उन दोनों ने कमाया था सारा अक्षय पाजी ले गए. मैं नहीं कहता हूँ, लोग बातें करते हैं. एक्चुअली इतनी मेहनत कर रहा है आदमी. ये तो है सर. फिर साल में 4 क्यों नहीं बोलता है जी? तो वो क्यों नहीं बताते मेहनत के बारे में, क्यों नहीं बताता? तो वो तो अंडरस्टूड ही है, मेहनत करते हैं तभी तो पैसा आता है. पर जरूरी नहीं मेहनत करके पैसा आए, कुछ लोग वैसे भी कमा लेते हैं. एक दिन आपको अपने अपने किस्मत है, बिना
मेहनत के भी कमाना एक आर्ट होता है यार। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक दिन बता दूं हमारा सूर्यवंशी का किस्सा। हम लोग शूटिंग कर रहे थे हैदराबाद में और उस दिन सर का कोई एड था और उस दिन हमारा काम खत्म हो गया था। अच्छा। बारिश वारिश गिर गई तो इनका जो पैकअप होना था वो हुआ नहीं। अगले दिन पे स्पिल ओवर हो गई वो शूटिंग और उनकी एड की भी शूटिंग थी उस दिन। अच्छा। ये आदमी बाइक पे एड का शॉट देता था और हमारा शॉट देने आता था। इसने मुझे ये नहीं बोले कि अरे तेरा तो डेट हो गया, बारिश गिरी, अब मैं क्या करूं, मेरी एड की शूटिंग है। फुल डे ही डिडंट हैव फूड, नथिंग। एक शॉट उधर, एक शॉट हमारा, एक शॉट उधर, एक शॉट हमारा। क्या बात है भाई। हम मतलब अभी जो नए वाले अपने हीरो हैं, इतना सोच रहे कि दो साल निकल जाता है सोचने में। True. दो साल में चार आठ पिक्चर हो जाती है। आठ पिक्चर अलग से, और भी कोई एक आदमी छोटा मोटा कोई मेरे जैसा एड फिल्म कर रहा हो उसकी एड भी छीन लेते हैं। अरे मैंने एक प्रोडक्ट की एड करी थी तो मैं सोचा बड़ा यार चल रही है, बड़ी हिट हुई, अगले साल मुझे फिर बुलाएंगे। अगले साल देखा तो ये यमराज वाला टोपा पहन के कह रहे अपनी पॉलिसी करवाइए। और मैं क्या ठीक है तो मतलब ठीक है, मेहनत करता है इंसान पाजी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू एक्चुअली। पाजी कभी कभी रोहित सर लोग बोलते हैं ना कि जो फिल्मों की पुलिस होती है वो कभी टाइम पे नहीं आती। एक्चुअली पुलिस सबसे ज्यादा अलर्ट होती है। बिल्कुल। मैंने क्लोजली काम किया है सिंगम में, सिम्बा में, अभी तो मतलब जो हमारा ये ब्रांड है पुलिस का ही ब्रांड हो गया जी। बिल्कुल। कि जिस तकलीफ से ये लोग गुजरते हैं, मतलब मैं बोलता हूँ एक आम आदमी 12 घंटे सिग्नल पे खड़े होकर दिखा दे। सही बात। अगले दिन वो आदमी बीमार हो जाएगा। हमारी लेडी पुलिस पूरा पूरा दिन बाहर खड़ी रहती है, कोई सोचता नहीं है कि कैसे। हम खाली क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार होते हैं, ये हो गया वो हो गया। वो भी इंसान है, सुपरमैन नहीं है, उसके बावजूद 48-48 घंटा भी काम करते हैं। क्या बात है। जो माहौल है इस देश का, माहौल, सिटी का माहौल, गणपति आ जाती है, उसके बाद ईद आ जाती है, फिर अगर आप देखें गणपति से लेके दिसंबर 31st फेस्टिवल की लाइन लगी, फेस्टिवल की लाइन लगी, सब पीसफुली हो जाता है। हम ये नहीं सोचते कि पीसफुली हुआ कैसे। राइट। हम कभी वो क्रेडिट देते नहीं है। दे एक्चुअली डिजर्व मोर देन व्हाट दे गेट। या बड़ी थैंकलेस जॉब एक्चुअली, और हम सबके दिलों में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आज आप सब लोग आए। मैं मुझे याद है मैं पुलिस का शो था पिछले साल, मैंने और रोहित ने किया था, तो आई वाज डूइंग अ स्टंट, मैं ऊपर बिल्डिंग से छलांग मारी थी नीचे, तो ऑब्वियसली किसी ने मुझे बोला यार पुलिस का शो है, यू आर कमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बोले क्यों कर रहा है इतना स्टंट। बोले फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसमें क्या हुआ, मतलब इन लोग अपनी जान की वजह, मैं केबल के ऊपर तो ऊपर से नीचे छलांग नहीं मार सकता। दे गिव देयर लाइफ फॉर अस। करेक्ट। दे गिव देयर लाइफ। आप में से बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ आए, कौन कौन आया यहाँ पे फैमिली के साथ? तो सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी अपनी फैमिली के साथ आपको ऐसा मौका मिलता है? क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा है, तो वो तो एक ही बार मेरे मम्मी पापा प्ले देखने आए थे मेरा, वो भी इकट्ठे आए, वापस में लड़ाई करके अलग अलग चले गए। आपको मौका मिलता है सर अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसे? सर कभी भी नहीं मौका मिलता ये, क्योंकि बहुत बार हम फिल्म जाने का भी प्लान करते हैं तो ये तीनों को भेजना पड़ता है और मुझे नहीं जाने को मिलता है। निकाला टिकट भी हम कभी नहीं देख पाते। और सर मैं अभी बात करना चाहूंगा, रोहित सर ने, अक्षय सर ने, और आपने अभी पुलिस के बारे में बताया जी, तो सर ट्रैफिक पुलिस हवलदार के ऊपर 2016 में एक बाम्बू से मार के मर्डर हुआ गया था। उसने खाली लाइसेंस पूछा था इसके लिए। ओह माय गॉड। और उसके बाद उसका कल ही जजमेंट आया, उसको लाइफ लग गई है। यानी हम इस टाइप से काम करते हैं कि पुलिस जनता की सेवा करना चाहती है, और उसके बावजूद अगर हमारे साथ इस टाइप से ये हुए तो हमको उसका बहुत बुरा लगता है। उसके बावजूद भी हम हमारा मनोबल ऊँचा रख के हम आपके लिए काम करते हैं। और उसके बाद ये इसके साथ में मैंने खुद पर्सनली कि पब्लिक में अवेयरनेस आने के लिए जी 7 शॉर्ट फिल्म बनाई हुई है कि उसमें चोरियाँ कैसी होती है, ये सब मैंने उस पर दिखाया हुआ। दूसरा मेरे घर पे पुलिस के ड्रेस में गणपति आता है, जो गणपति लाने का मतलब ये है मेरा मकसद कि उससे मैं पुलिस में पब्लिक में अवेयरनेस कर रहा हूँ। और दूसरी बात मेरी ऐसी है कि जैसा घर में माँ बाप पालक होते हैं, आपके गार्डियंस होते हैं जी, स्कूल में टीचर होते हैं, वैसा पब्लिक समाज के लिए हम गार्डियंस हैं, और हम गार्डियंस करके आपके लिए काम करते हैं। बिल्कुल। तो हम आपके लिए 4 कदम आगे आते हैं, तो आप लोग 2 कदम आगे आइए, हम साथ मिलकर काम करेंगे और आपको सेफ रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर।
अच्छा रोहित सर को ये तो मालूम होता है कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, इनको ये भी पता है कि ऑडियंस सवाल क्या कर सकती है, इसलिए खुद ही डाल देते हैं। जैसे अक्षय पाजी पूछ रहे ना अजय पाजी से कि तू हमेशा गाड़ी घुमा के क्यों आता है, और उनको बोल रहे हैं कि तू हेलीकॉप्टर पे लटक के क्यों आता है। रोहित सर सही बताना, जब आप अपनी स्क्रिप्ट सुनाते हो तो एक्टर्स आपकी पूरी स्क्रिप्ट सुनते हैं, खाली एंट्री सुन के हाँ बोल देते हैं? यार क्या बात एंट्री है। नहीं ऐसा नहीं है, बात करें अगर ये फिल्म की, जैसे जो हेलीकॉप्टर स्टंट से दे, अगर आप देखें तो 90% जो फिल्म है ये वाली फिल्म जी, इसमें ग्रीन स्क्रीन या सीजी नहीं है, ये भाई साहब ने खुद किया है हेलीकॉप्टर, मतलब बात है बाइक से बैंकॉक में हमने किया था, तो ये था कि बाइक जा रही है और इनको लटकना था, तो हमने लटक के थोड़ा ऊपर गए एंड देन कट था, कि कट हो जाएगा देन हम हार्नेस वार्नेस बांध देंगे एंड देन पूरा लेंगे। इन्होंने कब पायलट से बात की मुझे नहीं मालूम, हम लोग शॉट ले रहे हैं, ये आए लटके और वो हेलीकॉप्टर वाले से, वो मैं देख रहा हूँ वो लेके निकल गया उनको, वो जा रहा है हेलीकॉप्टर और ये भाई लटके हुए विदाउट अ हार्नेस। ट्विंकल को पता है ये बात? शी इज गिवन अप। एक बार तो एक उन्होंने स्टंट किया था ना अक्षय सर ने किसी इवेंट के लिए, वो जो सूट पहन के वो आग वाग लगाई थी बॉडी पे, ट्विंकल मैम ने बड़ा अच्छा मैसेज लिखा था ट्विटर पे, उन्होंने बोलती घर आओ बताती हूँ तुम्हें। रोहित सर मैंने देखा आपकी फिल्मों में जो गेस्ट आता है आप अगली बार उनको लेके फिल्म बनाते हैं, जैसे अक्षय पाजी ने सिम्बा में गेस्ट अपीयरेंस किया तो उनको लेके सूर्यवंशी बनाई, आप हमारे शो में इतनी बार गेस्ट आते हो कभी वैसे मुझे आपको आप मुझे लेके फिल्म क्यों नहीं सोचते? ये तो उल्टा होना चाहिए ना, मैं गेस्ट आया हूँ तुम सोचो। तो उठा लो, उठा सकते हो। पर ऐसे भी तो रोहित सर पुलिस वाले हो ही सकते हैं, जैसे मतलब जो सारी फिल्म में पहले थोड़ा हंसी मजाक करे, लास्ट में आप दो चार एक्शन सीन करवा लो, ये मौका मैं आपको देता हूँ। अच्छा कि रोहित शेट्टी ने करवा लिया अभी कपिल से। आप काम करना, आप मेरे से रणवीर को पिटवा देना, मेरी भी भड़ास निकल जाएगी, फिल्म भी बन जाएगी। अच्छा अक्षय पाजी के साथ आप जब फिल्म करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं, कुछ एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जैसे अक्षय पाजी यहाँ पे आते हैं हम सुबह आ जाते हैं, कभी कभी संजय दत्त आते हैं हम रात को आते हैं, मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ सर। तो मतलब आपको किसी भी शिफ्ट में कभी शूट करना तो अगर सुबह करना है तो इनके साथ कर लूंगा, शाम के लिए संजय दत्त है ही आपने बोले। दोपहर में कोई चाहिए हो आपको? है ना रणवीर सिंह। कोई बरसातों में चाहिए हो आपको? ओहो एक मुजरिम का रोल है वो, अगर आप चाहो तो। अरे जेल में भी तो कॉमेडी हो सकती है ना, कि पुलिस वालों को एंटरटेन करने के लिए एक आदमी लॉकअप में पुलिस वाला बोल रहा है जोक सुना। स्टैंड अप करके दिखा, जरूरी थोड़ी है कि पुलिस वाले कॉमेडी करे। मेरे को वर्दी पहनने का बड़ा शौक है सर, बचपन में मैं सोचता था जैसे मेरे फादर पुलिस में थे, मुझे लगा कि मैं ना बड़ा होकर IPS बनूंगा, फिर जब मुझे पता चला कि बड़ी मेहनत लगती है, पढ़ाई भी लगती है, फिर मैं कहा नहीं कुछ और देखते। ओए 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 रोहित सर, अक्षय सर कैसी लगी आपको मेरी सुपर एंट्री? बेकार। ये जो तूने डाकिये के कपड़े पहन के, ये जो एंट्री, उनका हाथ उठते उठते रह गया। तुझे कहा था ना मॉर्निंग शूट हो, तो अपने आप से ना समझ लिया कर। कपूर शर्मा, उनका हाथ मेरे टैलेंट को सलूट करते करते उठ रहा था। अच्छा और तुम अपनी नजर चेक करवाओ। हाँ। अच्छा भले इंस्पेक्टर चंदू में तुम्हें डाकिया चंदू नजर आ रहा है। इंस्पेक्टर है तो तेरे स्टार कहाँ है? सोनी पे स्टार की बात नहीं करता मैं। और तुम भी मत किया करो। रोहित सर, अक्षय सर, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, कमाल का ट्रेलर सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया, और मैंने भी सोच लिया कि जिंदगी में मैंने कुछ बड़ा करना है। गुब्बारा तेरे से बड़ा होता नहीं, आया तू बड़ा। कपूर शर्मा, गुब्बारा तो मैं फुला लूं। हाँ। लेकिन मुझे पक्का यकीन है तुमने उसमें भी उंगली कर देनी। इसलिए प्लीज लेट मी टॉक टू माई गेस्ट। रोहित सर, मैं एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। हमेशा तो रिक्वेस्ट ही लेके आता, कभी प्राइवेट जेट लेके आया तू? मेरे पास साइकिल है, मेरे पास जेट है, मेरे किचन में कितना राशन है, कौन से साबुन से नहाता हूँ, कौन से शैम्पू से नहाता हूँ, सब पता है इनको। कौन सा शैम्पू तेरा कौन सा होता है? ये सुबह बाहर खड़ा रहता है सर पेड़ के नीचे, कोई कौआ कबूतर कृपा कर दे तो वही इसका शैम्पू होता है, मेरे को क्या पता नहीं है। झूठ बोल रहा है, वो तो मेरा टूथपेस्ट है।
सर हाथापाई करें इसके साथ। खैर सर, आपने महाराष्ट्र पुलिस दिखा दी, अब पंजाब पुलिस दिखाने का टाइम है, तो प्लीज सर, अब मैंने तो आपकी भाई से इंप्रेस होकर रूटीन भी चेंज कर लिया। सुबह सुबह 4 बजे उठकर मैं भागना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा। वो तो पुलिस वाले कहते ना भी चलो उठो, फुटपाथ पे नहीं सोना। वो भागना भागना थोड़ी होता है। ओ वो मैंने उनको बोला हुआ अभी मुझे सुबह सुबह उठा दिया, मैंने मॉर्निंग वॉक पे जाना होता है। अच्छा। हाँ, मेरे पास अलार्म क्लॉक नहीं है ना। हाँ, और फिर उन्होंने ऐसा अलार्म, इसके दोनों अलार्म सूझे हुए पता है। सर मैंने डाइट भी वैसे प्लान की हुई है कि ब्रेकफास्ट लाइक किंग एंड डिनर लाइक बेगर। लाइक ए बैगर नहीं, फ्रॉम ए बैगर। लोग बैंगन का भरता खाते हैं, बैगर का भरता खाते हैं। कपूर शर्मा, यू आर स्टिल फनी यार। खैर कपूर शर्मा, ऐसे हमने मिलजुल कर रहना है। देखो आज अक्की पाजी की पिक्चर आ रही है, सिंगम और सिम्बा सारे इकट्ठे मिलजुल कर फिल्म बना रहे हैं। तो उनके दोस्त भी तो देखो ना कौन है। क्या कमी है तुम में? बिल्कुल। थोड़ा सा तुम फैटी हो, थोड़ी तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है, क्या कमी? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी अजीब रखते करता है सर, उस दिन कान पे मौजे डाल के था मेरे को बकरा बुलाओ। तो जब मैं प्यार से कहता हूँ बुला दिया करो तुम भी। खैर रोहित सर, मैं कब आऊँ स्क्रिप्ट सुनने के लिए? अच्छा। क्योंकि मैं हर चीज में पॉजिटिविटी देखता हूँ। नहीं, हम लोग हमारे यहाँ वॉचमैन को स्क्रिप्ट नहीं सुनाते, पगार डिसाइड करके काम पे रख लेते हैं। सर कोई बात नहीं, मैं वॉचमैन को बोल दूंगा ये बात। एक्टिंग का ए भी आता तुझे? कपूर शर्मा, मेरे चर्चे हॉलीवुड तक पहुंचे हुए हैं। तुम यहाँ एक ही बात अक्की पाजी, वो जो जोकर फिल्म में जिसको ऑस्कर नहीं मिला बंदे, उसने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है। अबे मेरी जोकर फिल्म जो फ्लॉप हो गई थी। अच्छा अच्छा। नहीं सर, हॉलीवुड में जिसको ऑस्कर मिला। अच्छा, उस एक्टर का नाम बता दे तू। जा, एक्टर का नाम? नाम इंग्लिश में है। हाँ तो बताओ ना। मेरे को, मैं बता दूं? नहीं सर, वैसी एक एक्ट्रेस भी इधर है हमारे। बता दिया। जैकलिन फर्नांडिस। अबे वो वॉक इन फीनिक्स है। हाँ। मुझे नाम से क्या लेना देना, मैंने अपना नाम बुलाना है। एक बार हो गया जो हो गया। नहीं नहीं, तू बोलियो। तू ये नाम बोलने के लिए खड़ा हुआ है। हाँ आगे बोल। मुझे नाम से क्या लेना देना कपूर शर्मा, मुझे अपना नाम बनाना है सर। तो आप प्लीज मुझे साइन कर लीजिए, क्योंकि अभी सलमान भाई भी पीछे पड़े हुए हैं दबंग 4 के लिए। अच्छा, अच्छा। अभी कल ही उन्होंने शेरा के हाथ मेरे को साइनिंग भी भेजा है। इसकी पीठ पे देख गया साइनिंग मांग। लोहे की रॉड से साइन किया है इसको, दिखा जरा साइनिंग अमाउंट। वो तो यार फिल्म की डिमांड है, वो टैटू बनवाया हुआ है। तो सर फिल्म में मैं तो हीरो हो गया। अच्छा। तो हीरोइन बताइए फिर कौन? अर्चना जी। अच्छा, इनको चिकनी चमेली और मुझे गोगा कपूर की सहेली। तेरी बातें सुनकर बच्चों को सुसु आने लगे, वो देख। तुझे तो अर्चना जी मिल गई, उनको सोच क्या मिला। आई नो। What do you mean? मेरी फैन फॉलोइंग का नहीं पता तुम्हें? ये देखो मेरे फैंस, चंदू चंदू चंदू। इतने पुलिस वाले कोई नाम लेना वो अच्छा नहीं होता है। और वो गंदू कह रहे हैं। गंदू। पाजी यहाँ तो मुझे करने दो कुछ। अरे बैठ बैठ बैठ। मैं वैसे पाजी, आपको पता है वैसे जो मुंबई की सरकार ने थिएटर 24 घंटे ओपन क्यों कर दिए? महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ने, मुंबई की सरकार। अनपढ़ता का चरम सीमा पे है ये, इसके बाद सीधी डेथ है इसकी। क्यों किए हैं 24 घंटे? उनको पता है कि चंदू ने पता नहीं कब सुपरस्टार बनके बड़े पर्दे पे आ जाना है। चंदू है चिपकली है, बड़े पर्दे पे आ जाना है। रोहित सर, बाकी जो भी हमारी डील होगी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो हम बैकस्टेज पे कर लेंगे। अच्छा, तो आपको बधाई है आपकी फिल्म के लिए। मुझे पूछना पड़ेगा नाइट शिफ्ट में वॉचमैन चाहिए या डे में ऑफिस में? सीधा बोल दो जाओ चंदन। ये पहला पुलिस वाला होगा जिसको पुलिस वाले मारेंगे। ओके भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो साथियों, अब वक्त है फिल्म में एक और अहम किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस को यहाँ पे मंच पे बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम
वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी चार्मिंग कैटरीना कैफ। कैटरीना आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां कैटरीना के लिए। आइए कैटरीना। कैटरीना सूर्यवंशी में आप काम कर रही हैं, कसम से, मतलब आप अगर थानेदार नहीं होती ना तो बंदा अपने बाप की जेब काट के अंदर हो जाए। कि ऐसी थानेदार नहीं, हमें ले जाओ अंदर। वैसे कैटरीना आपका क्या किरदार है इस फिल्म में? इस फिल्म में आई प्ले, मैं एक डॉक्टर का रोल प्ले करती हूँ। ओके। एंड आई थिंक व्हाट फ्रॉम यू नो ऑल द डिस्कशंस आई हैव हैड विद रोहित सर, आई थिंक रोहित सर इस फिल्म में पुलिस वालों को, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कितना स्ट्रगल्स करते हैं। जी। सो आई प्ले, आई कैन से यू नो व्हाट आई प्ले इन दिस फिल्म। बस बस उतना ही। हां थोड़ा और। नहीं वाइफ प्ले कर रही है इनकी। हां थैंक यू, कैन आई सी दैट? ऑब्वियसली। ओके दैट्स बच्चा किसका है? बस इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं। अच्छा कैटरीना को हम जब भी मिलते हैं पहले से और ज्यादा हमेशा फिट, मतलब और ज्यादा फिट दिखती हैं। हमने कहीं पढ़ा था कि कैटरीना जो है अपनी फिटनेस के लिए TRX केटलबेल्स जैसे वर्कआउट करती हैं। अच्छा सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं ये होते क्या हैं? केटलबेल एक ऐसा चीज है, ऐसी गोल। अच्छा। और इसके ऊपर एक हैंडल है। अच्छा। और मतलब कम से कम 8 किलो है, 8 या 10 किलो होता है ना नॉर्मली केटलबेल। So with this weight ki jaise hain. So okay. you can pick up the kettlebells, you can do shoulder presses. Achha. You can do swings like that. Achha. You can do squats, yahan aise pakad ke, you can do lots of squats like that up and down. Okay. To sawal ye tha Archana ji ka ki inme se kaun si exercise ke sath chole bhature kha sakte hain. Nahi actually I have a good one for that. Ye jo ek ball hai na, bosu ball. हाँ, बोसु बॉल, हाँ, ये भी सुना था मैंने। हाँ, मुझे लगा इन्होंने मुझे स्पेलिंग गलत लिखी, मुझे लगा बेसबॉल होगा। नहीं नहीं, नहीं बोसु बॉल, बोसु बॉल है, ऐसे है। तो आप इसके ऊपर आप बैठ जाइए और आपका चोले जो है आप खा लीजिए आराम से। कितने प्यार से समझाया ना कैटरीना ने, जैसा आपने बोला ना ऐसा लगता है ऐसे करके हम छोले भटूरे खाएंगे, कुछ नहीं वेट नहीं बढ़ेगा। नहीं 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 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खा लीजिए बिंदास। वाह गुलाबी रंग की लड़की ना। हम लोग भी है शो में, हम भी है अब तक तो। अक्षय सर रोहित, अक्षय सर ये क्या हो गया? नहीं मतलब तुम दोनों दिखने बंद हो गए इसको अब। नहीं नहीं मेरे मैं जेन्युइन मेरे मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं जर्नलिस्ट क्या हूं मैं? देखो लड़की आते क्या? नो आई मीन बीइंग ए फैन। मेरा एक सवाल है अक्षय पाजी के, जैसे आप सबको पता है कि अक्षय पाजी ने और कैटरीना ने साथ में 2006 में फिल्म करी हमको दीवाना कर गए, ठीक है, 2007 में नमस्ते लंदन, 2008 में वेलकम, 2009 में सिंग इज किंग, 2010 में दे दनादन। उसके बाद सर 10 साल कैसे लग गए आपको साथ में आने में? अच्छा मुझे लगा नहीं, नहीं। मैंने कुछ गलत पूछ लिया है। ये बताएगी 10 साल क्यों लग गए कैटरीना आपको? 10 इयर्स टू वर्क विद मी। बाबा अक्षय वाज वेरी बिजी, मतलब एक साल में चार पांच हीरोइन नहीं होती थी, अकेला क्या काम करता? अकेले करता हूँ। नहीं तो क्या था मतलब मैं भी काफी बिजी थी। तो आप शूटिंग नहीं कर रहे थे? ओ आप कुछ भी बोलते रहो, हमें बड़ा अच्छा लगता है आपको सुनना, बोलो ना कुछ। 10 साल नजर नहीं आया? ये 10 साल नहीं बाबा, 10 साल नहीं, 2010 and now we're 2020. Listen. Oh. Chalo, let's. Chalo, aate hain. Aage chalte hain. But see, I understand. That's a good point. Genuinely, Akshay was very busy. Huh? He was very busy. आप फिल्में नहीं कर रहे थे 10 साल? पता नहीं भाई, मैंने तो 2 भेजी थी फिल्में। अच्छा। चलो 10 साल बाद आए हैं, आए तो हैं साथ में, आगे भी आएंगी। जैसे हम जैसे को तो 100 साल में उम्मीद नहीं कि हमारी आपके साथ कभी फिल्म आएगी। कपिल जी, जी seriously, you know one thing I always say about Akshay whenever, now that we've you know जी. been together after working for some time, is that he gave me so much confidence in the beginning. And you know जब आपके सामने कोई co-actor है जी. that looks at you that you can do it. हुँ. You know there's no doubt.
And I still feel I've done some of my most special work with Akshay. Wow. Your best film, I'll tell you till today, is Namaste London. Yeah. No, best song bhi mera favorite hai. Yeah. अच्छा कैटरीना जैसे बहुत सारी हीरोइन आती है ऐसे जैसे सोनाक्षी सिन्हा मुझे राखी बांध गई थी आई डोंट माइंड मतलब अभी क्या करें अभी बांध गई तो बांध गई बड़ा कोशिश होती कि ना ही कोई बांधे वैसे तो मैं दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से पर हमने एक बात सुनी है कि शीला की जवानी जब गाना शूट हो रहा था तो आपने ये बोला था अक्षय भाजी को कि मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ क्या आपको राखी का मतलब नहीं पता था या आपको अक्षय भाजी की मासूमियत का नहीं पता था Let me explain to you why. किसी वजह से तो इसका साल लग गया। एक इसका मतलब, of course I understand, okay? But what is the actual meaning of Raksha Bandhan? Is that your आपका भाई जो है आपका सुरक्षा करते हैं, right? On the other hand, Akshay was such a good friend and is such a good friend to me. True. And he really does protect me and take care of me. राखी की जगह friendship band भी तो बन सकते थे। नहीं? तो कैटरीना इज सो स्वीट ना मैं को इससे ज्यादा इंग्लिश आती नहीं मैं और बोलना चाहता हूँ आपके बारे में पाजी मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपके हमेशा फ्रेंड्स आते हैं शूट पे आज मुझे कोई अच्छा एक तो आपके फ्रेंड मैंने पहचाने कैसे सर सब आया तेरे शो पे हमेशा मेरे करीबन ना करीबन 12-15 सीटें तो मेरी रहती है ये तो है अभी मेरे एक कमाल का दोस्त आया नरेश हांगकांग से नमस्कार सर उसके पीछे समीर क्या हाल है समीर जी बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी कैसे आप पहली बार आए हमारे शर्ट सेट पे अच्छा माइक दे दीजिए सर को बातें कर सर बड़े लाल दोस्त हैं आपके है ना अक्षय पाजी के दोस्त भी अक्षय पाजी जैसे लाल पूरे हाय कपिल हाय हाय अक्षय हाय एवरीवन हाय ओहो मैंने गलती से इंग्लिश वाला दोस्त उठा लिया नहीं नहीं मुंबई से ही हूँ अच्छा मुंबई से ही हाँ हाँ गोरेगांव से ही हूँ हिंदी में बात कर सकते हैं नरेश जी आप कहाँ रहते हैं अभी तो मुंबई में हूँ अच्छा और नॉर्मली हांगकांग में रहता हूँ और जनरली अच्छा आजकल वो कोरोना वायरस है ना तो डर लगता है हांगकांग चाइना बोल अच्छा हाँ देख इतने ईमानदार हैं ये तो है प्यार है आपका हांगकांग के लिए मुसीबत आई इधर आ जाओ नहीं चलो ईश्वर करे ये जो भी फैली हुई है चीजें ये दूर हो पर सर वहां पे क्या करते हैं हांगकांग में आप हांगकांग में सब सेम इंडियन सोई ट्रेडिंग बिजनेस चलिए सर बड़ा अच्छा लगा अकेले आए आप वाइफ के साथ बहुत बहुत स्वागत है जी आपका बैठिए बैठिए थैंक यू धन्यवाद सर धन्यवाद अच्छा एक मैं आपको मजेदार चीज देता हूँ हम कोई चीज होते हैं हम कर नहीं सकते लेकिन सोच तो सकते हैं मन में प्रधानमंत्री तो बन ही सकते हैं जैसे रोहित सर की फिल्मों में एंट्री जो बड़ी जबरदस्त होती है उनके हीरोज की मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर भविष्य में आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आप फिल्में करें एक्टर बन जाएं तो आप अपनी फैंटेसी में क्या सोचते हैं कि मेरी एंट्री कैसी होनी चाहिए आप अपने अपने विचार रख सकते हैं जी भाई साहब हेलो कपिल सर हेलो रोहित सर हेलो कैटरीना मैम हेलो अक्षय सांस ले लो हाँ जी अभी इधर सभी दिग्गज लोग बैठे हुए हैं अगर मैं आपका सवाल था कि अगर मैं एंट्री हो मेरी बॉलीवुड में तो मेरी एंट्री हाथी पर हो ना तो मैं ऐसा सोचता हूँ दो हाथी और मेरी एंट्री उस पे हो आप हाथी पे आए हाँ तो हाथी आप पे आ गया तो ऐसा क्यों सोचते हैं आप मतलब क्योंकि सर मैं ऐसा सोचता हूँ अगर मैं एज ए हीरो कम भी रखूँ तो अच्छा है हाथी दिग्गज है तो मैं मेरी एंट्री कवर हो जाएगी बात का मतलब तो नहीं वैसे कोई बना पर फिर भी वैसे क्या करते हैं आप आपने नाम नहीं बताया अपना मैं विरल सुखाराम वाला हूँ सूरत गुजरात से आया हूँ सर विरल विरल सुखाराम वाला सुखाराम वाला आपका सब सुख चल रहा है लाइफ में सब सुख चल रहा है सर आप और फिर सब सुख ही चलेगा अरे लव यू ब्रदर तो आप करते क्या हैं गुजरात में मैं अभी तो बीकॉम कॉलेज करता हूँ और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ और आधे घंटे बाद क्या करेंगे तो मतलब आपके मन में है ऐसा हीरो बनना है जी अच्छा सर आप इनको अंदर कर सकते थैंक यू ब्रदर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त अपने विचार जी मैडम हेलो हेलो एवरीवन हाय माय सेल्फ सरिता नायर एंड आई एम फ्रॉम मुंबई वेलकम सरिता जी आप पुलिस फैमिली से हैं नो नो अच्छा फिर बताइए फिर कहाँ से आई आप यार पुलिस फैमिली मतलब मेरी फैमिली मैं भी तो पुलिस वालों की फैमिली से हूँ उस हिसाब से पूछा था कवर कर रहा है अच्छा कवर सरिता आप अकेली आई हैं जी मैं अकेली आई हूँ मैरिड हैं आप नो आई एम सिंगल ओह सरिता वाओ
जी सरिता, माय बॉलीवुड फैंटेसी इज एज अ बिजनेस वुमन मैं एंट्री करना चाहूंगी बॉलीवुड में. सो मेरी एंट्री ऐसी रहेगी, बट उसके पहले मुझे बताना है कि मेरी मूवी में 5 से 6 हीरो जरूर रहेंगे. मैडम फिल्म बनाना है, गांव बसाना है. सर मल्टी कैरेक्टर्स रहेंगे, सो फिल्म भी नहीं, अच्छा, अच्छा, चांसेस. अच्छा अच्छा, मारो प्रोड्यूसर को मारो, आपका क्या जाना. मैं अपनी एंट्री बता देती हूँ. सो मैं एंट्री करूंगी कार में. अब हाथ पकड़ लो, हिल रहा है. यस सर. तो राजकुमार राव कार का डोर ओपन करेंगे. अच्छा तब मेरे उनको सोच के आपके मन में कार का डोर खोलने का थिंक किया. अरे सुन तो ले. अच्छा जी. एंड आफ्टर दैट विक्की कौशल ऑफिस का डोर ओपन करेंगे. सो तब मेरा ड्रेसिंग दिखाया जाएगा बैग से. एंड आफ्टर दैट वरुण धवन वेट कर रहे होंगे विद अ फाइल. सो मैं फाइल लूंगी, सो मेरे हैंड शो करेंगे वहां पे. एंड आफ्टर दैट कैबिन में आयुष्मान मेरे लिए वेट कर रहे होंगे कि मैं कब उन्हें ऑर्डर दूं. सो मैं उन्हें ऑर्डर दे दूंगी कि मेरे लिए कॉफी लेकर आए. एंड उसके बाद एक उसके बाद डेविड धवन आएंगे, कहेंगे उठो मेरे ऑफिस से. नो नो, ऑफिस मेरा ही रहेगा. अच्छा ऑफिस आपका है. ओके. एंड लास्ट, जैसे ही मेरे कैबिन से आयुष्मान जाएंगे, मैं स्लिप हो जाऊंगी. एंड तब मुझे थामने के लिए कोई आएगा और वो रहेंगे अक्षय सर, मुझे संभाल लेंगे. एंड आफ्टर दैट मेरा फेस रिवील होगा. हाँ जी. एंड तब हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी अक्षय एंड सरिता की. एंड अक्षय विल बी माय हीरो. सरिता बड़ा कमाल का सोचा आपने. थैंक यू सर. सोचने में क्या जाता, सोचते रहिए. शुक्रिया सरिता, धन्यवाद आपका बहुत बहुत. जी और कोई हमारे दोस्त अपने विचार. जी भाई साहब. हाय कपिल सर. हेलो. हाय अक्षय सर. सर मेरा नाम मनोज कुमार है. सर राजस्थान अलवर से रहने वाला. राजस्थान से आए. यस. अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सर. सर यदि एज ए हीरो मेरे को एंट्री का मौका मिला, हाँ, तो मैं चाहूंगा कि एंट्री इस बार ना. इस बार का पहली कौन सी फिल्म में हुई थी? सर अभी तक क्या होता है कि एंट्री या तो ग्राउंड लेवल पे जैसे कार या बाइक से हो रही है या फिर एरोप्लेन हेलो से हो रही है. मैं चाहता हूँ कि हीरो की एंट्री सबमरीन से हो, पानी से. सबमरीन पनडुब्बी से हो, पनडुब्बी पानी से ऊपर आए, हीरो बाहर आए, उसके बाद वो हेलो से उसको सिटी में शिफ्ट किया जाए. हेलो से? हेलो से? हेलो से एक हाथ से हैंग करके. हेलो हेलीकॉप्टर. हेलो ठीक है ठीक है ठीक है भाई ठीक है. हेलीकॉप्टर का शॉर्ट फॉर्म हेली होता है. अच्छा ये तो वो लोग बोलते हैं जिनके 3-4 हों. अपना हेलो निकालो. अपन वाह हेलो, मैंने पहली बार सुना हेली. फिर हेलीकॉप्टर से फिर क्या होगा? फिर सर वो एक हाथ से हेलो को पकड़ के सिटी में शिफ्ट हो जाए. बहुत अच्छी एंट्री है. कभी मैं एक बात बताता हूँ, बहुत अलग सोचा है कि सबमरीन में कोई नहीं आया आज तक. यस बहुत अलग है, बहुत अलग है. वेरी गुड. थैंक यू. वैसे आइडिया आया कहाँ से सबमरीन का? सर मैं इंडियन नेवी में जॉब कर रहा हूँ. अच्छा. अरे और अच्छा लगा आपसे मिलके. थैंक यू सर. तो आप भी छुट्टी पे हैं? आप नहीं सर, एक दिन का ही छुट्टी है आज. तो वैसे मुंबई में पोस्टेड हैं आप? यस सर मुंबई. फैमिली के साथ आए? नहीं सर अकेले आए. अकेले आए. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो में आए. शुक्रिया. थैंक यू सर. और कोई? जी भाई साहब आपकी एंट्री अभी बाकी है. नमस्कार सर. मैं अमित भाटिया देहरादून से. देहरादून से बहुत बहुत स्वागत है सर. सो मैं एंट्री एक ऐसी देना चाहूँगा कि जैसे कि मैं हीरो की एंट्री दूँ तो मैं शेर में बैठ के आऊँ. शेर के ऊपर? शेर के ऊपर. शेर के ऊपर. टाइगर टाइगर टाइगर. अच्छा शेर के ऊपर आपकी एंट्री हो. जी सर. एंट्री का तो मुझे पता नहीं, अगर कुछ हो गया तो आपकी एग्जिट पता ना कहाँ से होगी. सर लेकिन अलग एंट्री होनी चाहिए ना, रोहित सर के लिए अच्छा आइडिया दे रहे हैं अलग. अच्छा जा कहाँ रहा है फिर हीरो बैठ के शेर पे? सर एंट्री होगी जहाँ पर शूट हो रहा हो उधर ही एंट्री होना है. हीरोइन के पास जाएंगे. और फिर शेर से उतरे ऐसे हीरो ऐसे करके. और फिर हीरोइन के साथ सीन शुरू. ऐसा शेर से उतरे फिर शेर छोड़ेगा थोड़ी. शेर तो एक्चुअली लेके नहीं आएगा, शेर इधर से पकड़ेगा. पर सर कमाल कमाल के आइडियाज आ रहे, वाह. वैसे क्या करते हैं सर आप देहरादून में? सर मेरा अपना रियल एस्टेट का बिजनेस है सर. अच्छा जी. कोई क्या बना के दो हमें कुछ बंगलो बंगलो. हमारे डायरेक्टर साहब भी देहरादून के हैं. भरत सर, मैं भी देहरादून की हूँ. भरत जी मेरे दोस्त हैं. अच्छा भरत जी आप दोस्त हैं? हम अपने स्कूल में इकट्ठे पढ़े हैं. इनसे दोस्ती छोड़ दो, आदमी ठीक नहीं है.
सर इनकी बदौलत ही पहुंचे हम यहाँ पर सर. अच्छा बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके. अकेले आए आप? नहीं मेरी वाइफ है सर साथ में. अच्छा नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ये जो इस तरफ भाई साहब बैठे हैं ये इनको माइक दे दो, ये जिन्होंने दोनों घुटने निकाले हुए जींस के बाहर. हेलो मेरा नाम मनीष है. हाँ जी. मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ तो मुझे लगता है कि वो, मैंने गैस किया था कि वो शायद कल कुछ पिंक पहन के आएंगे. थॉट कि मैं पिंक पहन के जाऊँ आज शूट पे. अच्छा ऐसा मैंने अजम्पशन किया था और सच में वो राइट निकला तो ट्विनिंग हो गई थोड़ी. मैंने भी गैस किया था कटरीना पिंक पहन के आएगी. आपको अगर कभी मौका मिले हीरो बनने का तो किस चीज पे एंट्री लेना चाहेंगे? सर मैं ट्रैक्टर पे बैठ के आऊंगा. ट्रैक्टर के बोनट पे मैं बैठा हुआ आऊंगा और मेरे बोनट पे बैठेंगे आप? हाँ. तो सारा पीछे से मामला जल जाएगा. पता गर्म कितना होता है वो? सर, सर वो तो फिल्म है ना, कुछ भी हो सकता है. अच्छा. तो मेरे हाथ में स्टीयरिंग होगा और एक हाथ में गन्ना होगा और मैं मस्त ट्रैक्टर पे बैठ के आऊंगा. बाकी लोग नहीं ना आएंगे जिनको शूटिंग कर रही है. अच्छे आइडियाज हैं आपके, धन्यवाद, शुक्रिया. थैंक यू सर. मैं एक पुलिस वाले को जानता हूँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको ऊपर. सर प्लीज प्लीज. मनोज. हाँ. सो सारा पुलिस का बजट इन्हीं पे लगा मुझे लगता है. आपको बताता हूँ कि इस इंसान ने काय काय केला सांग लोका ना. पिछले 10 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए कोशिश कर रहा हूँ. अभी इस साल पिछले 4-5 दिन पहले मैंने मुंबई पुलिस की तरफ से ऑल इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल लाया हूँ. क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो. और उसके पहले मैं अक्षय जी का 3 साल बॉडीगार्ड रह चुका हूँ. अक्षय जी से बहुत सारी चीजें मैंने सीखी. आज जो भी अचीवमेंट पाया हूँ मैं अक्षय सर को फॉलो करके. मैं मनोज को पूछ रहा था, मनोज तू दिखाएगा बॉडी? बॉडी जरूर मैं अब भी दिखा दूंगा. खोल हमें द्रविड़ी का ना भाई, इसकी बॉडी देख यार. ओ माय गॉड. चल तू भी शुरू. हाँ कर दे. वाह म्यूजिक बजाओ, म्यूजिक बजाओ बेबी. मुंबई पुलिस. मुंबई पुलिस. कपिल कम ऑन. इसके पंजा लगा. अभी मनोज का और कपिल का एक मुकाबला होगा. किस बात का मुकाबला? पंजे में. पंजे आप मेरे भाई हैं. पंजे में. मैं क्या, मेरे को कोई, मैं क्या, मैं हार गया. क्यों करना मेरा? आप करना यार. क्या सोच के आपके ये आइडिया आते हैं? पंजे ही तो लगा. तेरे जो क्या सोच के आते हैं फिर? अरे अब मुझे अगला एपिसोड नहीं करना है. मैं इनके साथ पंजे लड़ा के और मेरा तोड़ के हाथ मेरे हाथ में दे जाएंगे. तो इसके साथ क्या खेलना चाहता है? चिड़िया उड़ी? मैं इनको नमस्ते करना चाहता हूँ. कपिल जी पहले मैं करूँ इसके साथ? आप करो. आपसे तो हार जाएंगे ये. आप करेंगे इसके बाद? मुझे क्यों फंसा रही हो कटरीना आप? 4 बजे उठ के बनाते, अगर हम 5:15 उठे तब कितनी बन जाती है? बना लो जितना दम में. बात वो नहीं है मनोज, ड्यूटी आवर्स बताओ कैसे किया? 24 आवर्स. 24 आवर्स ड्यूटी में बनाया. सेक्शन ब्रांच में मैं ड्यूटी करता हूँ. सारा नहीं बताते? हाँ सर. हाँ ड्यूटी करता हूँ. नहीं नहीं कोई बात नहीं, पुलिस वाले डरेंगे नहीं किसी से. और कपिल भाई आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मुंबई पुलिस आप लोगों के लिए ही है सेवा में. आई लव यू सर, शुक्रिया. जितनी आपकी जगह है ना, आप यहाँ पे कोई कंपनी का इश्तिहार लिखवा लेना तो उसका भी रेंट आ सकता है आपको. पर बड़ा अच्छा लगा मनोज जी आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू शुक्रिया. थैंक यू मनोज. थैंक यू मनोज जी. कटरीना का मन में रह गया ना, कहता ये बनकर इनके लिए कौन मरेगा रे.
मैं आपको एक सलाह दूं, आज चलते शो में किसी का पॉकेट मत मारना, सब पुलिस वाले बैठे। हाय 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 हाउ हाउ कैसे आप? ठीक है, मजे में? मैं ठीक हूं। आती तो क्यों शुरू करती पहले? तेरे को आती है क्या? मेरे को बोलते रहते हैं। हाँ, इतने बड़े बड़े लोग बैठे, समझ नहीं आ रहा किससे चालू करूं मैं। हाँ, लेडीज फर्स्ट रहते हैं ना कपू? हाँ। हाँ। कैसे रोहित सर? मैं ठीक, लेडीज फर्स्ट बोला ना? नहीं नहीं, मैं कौन से एंगल? वही लेडीज फर्स्ट। माय लेडीज है, मैं फर्स्ट जिससे बात करेगी वही रहेगा ना। हमारे नाला से परे में ऐसे ही लॉजिक रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है आपका पिक्चर देखते हम लोग। बहुत अच्छा लगता है आपका पिक्चर देखा, वो सिंघम, सिंघम रिटर्न, फिर सिम्बा, सूर्यवंशी, क्या जोरदार ताली हो जाए, क्या मस्त पिक्चर बनाते आप। ये जो पुलिस वाले लोग के ऊपर पिक्चर बनाते हैं, सब पुलिस वाले लोग का रहता है। आपके अंदर ना डायरेक्टर के साथ साथ ना एक कमिश्नर भी छुपा हुआ है। आते ही तूने फालतू बातें करनी शुरू कर दी ना। फालतू बात नहीं करी कप्पू, तेरे को मालूम नहीं है क्या? इनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ रहा क्या? FIR दर्ज करना पड़ता है। सच्ची में 100 नंबर डायल करो, आजकल पुलिस फोन नहीं उठाती, रोहित सर फोन उठाती। बोलते किसको भेजू, सिम्बा को भेजू, सिंघम को भेजू, के सूर्यवंशी को भेजू, ऐसा करते। लेकिन मैं सच्ची बोलती है, ये वर्ल्ड के पहले आदमी है जो पुलिस वालों से पैसा कमा रहे। जोरदार तालियों। मेरे को आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, काम करने का बहुत अच्छा। पूरे साल का ना इनका एक ऐसा पैकेज रहता है। अच्छा। हाँ, 3 महीना ये गोलमाल इलमाल करते, फिर 3 महीना सिंगम और ये ऐसा एक्शन फिल्म करते। और बाकी 6 महीने हमारी तरह कोई चैनल को लूटते रहे। बहुत मजा आता है, उधर सब ऊपर नीचे गिरते रहते हैं, आपको पैसा मिलता है। बहुत अच्छा लगता है मेरे। वो चैनल वालों का अच्छा रहता है, वो बहुत छाने वो लोग। हमारे घर की माँ बहन को ले जाते हैं, झगड़ा विगड़ा कराते हैं, पैसा कमाते हैं वो लोग। आप उनसे पैसे लेना, बहुत अच्छा पैसा लेना। और सर मस्त लगते हैं, हैंडसम लगते हैं आप, बहुत अच्छे, वेरी नाइस पर्सनैलिटी, डायरेक्शन भी आपका। मैं ऐसा 10 साल से आपकी चापलूसी कर रही हूँ, सिर्फ एक ही पिक्चर का फायदा हुआ मेरे को। ऐसा क्यों सर? एक ही पिक्चर का मतलब हमारी चापलूसी में कोई कमी रह गई थी क्या? नहीं, मैं सच्ची बोलती है, आजकल शॉर्ट फिल्म का जमाना है। शॉर्ट फिल्म बनाओ ना मेरे साथ 3 घंटे का। वो ट्रेलर मेरा शॉर्ट फिल्म ही है, 4 मिनट का ट्रेलर है। नहीं नहीं, आप मेरे साथ बनेंगे शॉर्ट फिल्म, 3 घंटे का फायदा भी रहेंगे उसमें। मैं इंस्पेक्टर का रोल करेगी, फिर एंड में जैसे इसमें अजय सर और वो आते हैं, उसमें गोविंदा कोला ना ऐसा बाइक के ऊपर वो आएंगे। हाँ, अपने तो अपने होते आएंगे ना सर, प्लीज करो। वो आके कहीं ऐसा नहीं बोलेगा 3 घंटा मैं रहता हूँ एंड में इसको लेके। हाँ, ऐसा हो सकता है, अपने तो अपने रहते हैं। सही बात। तो आज सारी बातें रोहित सर से करेगी? हाँ, उनसे ही करने का है मेरे को। गफूर ने समझाया था क्या, मुंबई में टिके रहना है ना तो शेट्टी लोग से बना के रखने का। हाँ, मैं तो सच्ची बोलती है, मैं सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी से तक बना के रखी। अच्छा, क्या बना के रखी है? टिकटॉक बना के रखी है उनके साथ। लेकिन मार्केट में डाला नहीं मैंने। क्यों? क्योंकि मेरा ज्यादा अच्छा था, उनका टिकटॉक था। खैर, कितना अच्छा लग रहा है वो, मेरे को एकदम भेजा वो है। क्या भेजा वो होता है ना? अबे देजा वो, देजा वो। हाँ, वही वही, मेरे को एकदम पुराना जमाना याद आ गया। आप जजिंग करते थे? हाँ, हम दोनों। हाँ, आप दोनों जजिंग करते थे ये, और मैं परफॉर्म करते थे। कितना मजा आता था। अभी देखो कितने साल हो गए, आप इतने बड़े डायरेक्टर बन गए, हम इतने बड़े परफॉर्मर बन गए, ये आज भी जजिंग कर रही है। नहीं, मेन बात तो तुम लोगों ने सुना नहीं, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हम आज भी मेहनत का खा रहे हैं, आज भी फ्री का खा रहे हैं। हाय अक्षय सर, हाउ यू? बोल बेटा, बोल बोल। सर आप? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती है। मैं आप, एक तो गुड न्यूज के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, इतना मस्त पिक्चर बनाए ले। अक्षय सर, मेरे को सूत्रों के अनुसार पता चला है कि, कह रहे हंसता कह रहे तू? हाँ, कि आप सेट मैक्स पे भी प्रमोशन करने के लिए जा रहे हैं।
क्यों? नहीं, ये पिक्चर का प्रमोशन करने में बलताती है सर, उधर नहीं जाने का। वो बुलाएगी मगर जाने का नहीं। पता है प्रॉब्लम क्या है? क्या? वो सूर्यवंशम में पिछले 25 साल से अमित जी को जहर वाली खीर खिला रहे, हमारे सूर्यवंशी को पता नहीं क्या खिलाएंगे, नहीं जाने का। सर आपका ये बिल है। बिल? 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर देना मेरे अकाउंट में। ए, कौन सा बिल? अरे जो इयररिंग मैंने लिया था ना, वाइफ के लिए ले गया था मैं। हाँ, पिछली बार मैं करीना जी को दिया था ना, वो प्याज वाला इयररिंग। हाँ, तो वो सर ने जैसा कि मैम को दे दिया था, उसका 1 करोड़ रुपया लगेगा। एक प्याज के झुमके का 1 करोड़ रुपया? तो पहना भी किसने? ट्विंकल खन्ना ने पहना है, तो मैं 1 करोड़ रुपया नहीं मांगेगी क्या? अगर उनको 1 करोड़ खर्चना होता तो वाइफ को प्याज वाले झुमके देते। अभी आप समझ लो उसको, ये बोला मैंने बोला। हाय, हाउ आर यू? वेरी नाइस, आई लाइक योर टीवी, आई सी फिल्म। आपका गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अफगान जलेबी आपका गाना, वेरी नाइस। थैंक यू। फिर आपका ये भारत पिक्चर में भी गाना आया था चाशनी वाला, वो भी बहुत अच्छा। मेरे को पूछने का था, आपके गाने ये लिरिक्स राइटर लिखते हैं कि हलवाई लोग लिखते हैं? अच्छा सुन रे कप्पू, इधर ये देख, मेरे को ना अर्चना जी की वैनिटी वैन में गई थी, उनकी कोई किताब मिली है। ये देख, पता नहीं क्या है इसके अंदर, ये सब क्या लिखे ले रे? क्या क्या लिखा? आज सिद्धू कभी मत आना। हाँ। इसमें बहुत चीजें लिख रही थी, क्या लिखे ले? मैं लिखा है, अक्षय कुमार की इस साल की पहली फिल्म की प्रमोशन में मेरे घर की EMI क्लियर हो जाएगी, दूसरी प्रमोशन पे गुप्ता जी का उधार चुकता हो जाएगा, तीसरी फिल्म की प्रमोशन पे ठेके वाले का पैसा दे। शर्म नहीं आती तेरे को दूसरों की डायरी पढ़ते हुए? अच्छा अच्छा सॉरी। सर मेरे इधर पार्लर है, तो अलग अलग टाइप का मसाज रहता हम लोग के पास में। फेमस है। हाँ, तो हमारे पास सिम्बा मसाज है आपके लिए। अच्छा। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर को हम लोग कपड़ा उतर के तेल लगाते हैं, फिर मैं उसके घर पे फोन करती है तो मेरा फोन खराब हो जाते हैं, तो फिर मैं उसको भोजपुरी में पूछती है, हमारे पास मोबाइल बा, तुहार पास सिम्बा? ऐसे रहते हैं, तो बोलता है बा, तो फिर उसका मैसेज करते, नहीं तो जा, ऐसे रहते हैं हम लोग। फिर हमारे पास एक शेट्टी मसाज है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें रोहित शेट्टी नाम के आदमी रहते हैं, आप तो जानते रहेंगे। हाँ। वो उनको हम लोग तेल लगाते हैं, फिर मसाज करते हैं, फिर तेल लगाते हैं, फिर मसाज करते हैं, फिर तेल लगाते हैं, फिर मसाज करते, कर... करेगी मसाज जब तक फिल्म नहीं दे देते मेरे को। अब तो दे दो, अब तो खुद का तेल निकल गया बोल बोल के। खैर अभी आप लोग इतना मस्त पिक्चर बनाए जानदार, आप सर तो खिलाड़ी इतने बड़े, आप भी इतना एक्शन, मैम भी एक्शन करते। एक हम लोग डेंजरस गेम खेलते हैं सर। क्या? मेरे को खेलने का है चिड़िया उड़। चिड़िया उड़? चिड़िया उड़। हाँ, वो अपन खेलेंगे एक बार सर, ठीक है? आई मैम मैन वन गेम, ओके। हाँ, चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, सांड उड़। सांड ये। तू क्या देखो उड़ा रही है तू? हाँ तो क्या सर, इतनी गाड़ियां उड़ाती है, उनको कुछ नहीं बोलता, मैं सांड उड़ाई तो तेरे को प्रॉब्लम है? और सर तो सिर्फ गाड़ियां उड़ा रहे, इन्होंने इतना बड़ा मंत्री उड़ा दिया इधर से। मेरा दिमाग कर, मैं कप्पू जहरीली सर मैं जाती है, वो आपका हीरो है ना, वो क्या नाम है उसका, श्रेयस तालपड़े। हाँ, उनका तालपड़े मेरे पास है। तो वो ताल जो है ना, वो थोड़ा तल गया है, तो इससे पहले श्रेयस चल पड़े, मैं उसको तालपड़े देकर रहती, ठीक है? बाय। एक बार जोरदार तालियां अक्षय सर, कैटरीना और रोहित सर के लिए। सर आप लोग आए हैं, आपके साथ बातें करके इतना मजा आ रहा है। मैं मेन बात पे आता हूं, हम लालची हैं सर, एक एपिसोड और बनाना चाहते हैं। आप रुकेंगे? सीधा साफ बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं मुझे जाना है जैसलमेर, मेरी अगली फिल्म की शूटिंग है बेटे, फिर मुझे आना भी तो है यहाँ वापस। हाँ तो एक एपिसोड के लिए और रुकेंगे। जोरदार तालियां। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कल हमारे साथ अक्षय बाजी, कैटरीना और रोहित सर तो हैं ही, साथ में एक और शख्स जुड़ेंगे जिनको आप बाखूबी जानते हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर करण जौहर। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। तो तब तक के लिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.